मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास, क्लास फिफ्थ, चैप्टर फूड एंड हेल्थ। नेक्स्ट हेडिंग क्लीन वाटर एंड फूड। द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, फिल्टरिंग एंड कैन बी यूज टू मेक वाटर क्लीन। हमें पीने के पानी को बॉयल करके या तो फिल्टर करके या फिर उसे छान करके पीना चाहिए। साफ पानी पीने से हमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो सकती। क्लीन वाटर इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट टाइफाइड, जॉइंडिस एंड कॉलरा। टाइफाइड, जॉइंडिस और कॉलरा को रोकने के लिए हमें साफ पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली विथ सॉप एंड वाटर। हमें हाथ को पूरी तरह से पानी से और साबुन से धुल लेना चाहिए। डू इट स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, स्पेशली खाना खाने से पहले। डर्टी हैंड्स एंड नेल्स कैरी अ लॉट ऑफ जर्म्स। गंदे हाथ और गंदे नेल्स ये रोगाणुओं को लाते हैं, इसलिए हमें गंदे हाथ और गंदे नेल्स नहीं रखना चाहिए। मैनी पीपल टच आर हैंडल योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर दे रीच यू। मार्केट में आपके जाने से पहले वेजिटेबल और फ्रूट्स को पता नहीं कितने लोग टच करते हैं, और फिर जब आप जाते हैं तो वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले आते हैं। उसमें पता नहीं बैक्टीरिया, वायरस कितने हों, इसलिए हमें खाना बनाने से पहले वेजिटेबल्स को धुल लेना चाहिए और फ्रूट्स को खाने से पहले, ताकि उसमें सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस नष्ट हो जाएं। कीप योर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इन फॉर्म फ्लाइज सिटिंग ऑन इट। फूड को हमेशा ढक करके रखना चाहिए ताकि उसमें मक्खियाँ ना बैठें। मिल्क इज हीटेड और पाश्चराइज्ड टू प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम गोइंग इन इट। दूध को हमेशा गर्म करके या उसका पाश्चरीकरण करके पीना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेक फूड विथ क्लीन हैंड्स एंड सर्व इन क्लीन वेसल्स। हमें सदैव भोजन के लिए स्वच्छ भोजन और स्वच्छ बर्तन का उपयोग करना चाहिए। प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। मच्छर और मक्खियों के प्रजनन स्थलों को नष्ट कर देना चाहिए। मॉस्किटोज ले देयर एग्स ऑन स्टैंड वाटर। मच्छर सदैव गंदे पानी में अंडे देते हैं। वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैंड आर स्नेट एंड पॉट्स, वेसल्स, कूलर्स इन आर अराउंड योर होम। हमें रुके हुए पानी को या गंदे हुए पानी को कभी नहीं रखना चाहिए, कूलर्स में, पॉट्स में, वेसल्स में या फिर अपने घर के आसपास। वाटर टैंक्स नीड टू बी कवर्ड। वाटर टैंक को ढक कर रखने की आवश्यकता है। वी कैन स्प्रे केरोसिन ऑयल और पेट्रोल टू स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट। कीटों के प्रजनन स्थलों को हम केरोसिन ऑयल से या पेट्रोल ऑयल स्प्रे करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं। वी नो दैट फ्लाइज ब्रीड इन डर्टी एंड गार्बेज। हम जानते हैं कि मच्छर गंदे जगहों में या कचरे में सांस लेते हैं। कवर आर डस्टबिन्स। हमें डस्टबिन को भी ढक करके रखना चाहिए। डू नॉट अलाउ हीप्स ऑफ गार्बेज टू कलेक्ट नियर योर होम। कचरे के ढेर को अपने घर के आसपास या घर में इकट्ठा ना होने दें। द म्युनिसिपैलिटी इन योर टाउन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द स्ट्रीट क्लीन एंड हाउलिंग द वेस्ट। आपके शहर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गली को
साफ सुथरा रखें तथा कूड़े कचरे को दूर हटाएं। वैक्सीनेशन टीकाकरण। वैक्सीनेशन इज ए वे ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ बाय एक्वायरिंग इम्यूनिटी। टीकाकरण प्रतिरक्षण प्राप्त करने से स्वयं की रक्षा करने का एक सही तरीका है। वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर डिजीज लाइक पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, मीजल्स, एटिक। वैक्सीन बहुत सारी अवेलेबल हैं कई सारे रोगों को रोकने के लिए, जैसे पोलियो है, कॉलरा है, टाइफाइड, जॉन्डिस आदि। पल्स पोलियो इज एन इम्यूनाइजेशन कंपेरिजन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1994 टू इरेडिकेट पोलियो। पोलियो का उन्मूलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1994 में पल्स पोलियो की तुलना में टीकाकरण की तुलना की गई। ऑल चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 आर गिवन ओरल पोलियो ड्रॉप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। सभी बच्चों को जो 5 साल के अंदर हैं उन्हें समय समय पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाना चाहिए। दिस कंपेरिजन प्रूव टू बी सक्सेसफुल एंड द केस ऑफ पोलियो इन इंडिया है डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। यह तुलना सफल सिद्ध हुई और भारत में पोलियो के मामले में काफ़ी कमी आई। वी मस्ट गेट ओवर सेल्स वैक्सीनेटेड टू इरिडिकेट कम्युनिकेबल डिजीज। हमें संचारी रोगों को खत्म करने के लिए स्वयं को टीका लगाया जाना चाहिए। If we take care of ourselves and our surroundings, we can stay healthy। यदि हम अपनी और अपने परिवेश का ख्याल रखते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। ये चैप्टर फिनिश। आपके लिए होमवर्क है, What are nutrients? What are its main types? Second question, What is a balanced diet? Third question, What are communicable disease? Give two example। आपके लिए थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है। आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक। थैंक यू क्लास।